कर लो भाई, गिन लो सेकंड चला के देख लो भाई, 9 सेकंड हुंडई क्लेम करती है, और ये देखो 9 सेकंड में चढ़ती है नहीं चढ़ती वो देखो आप, 0 to 100। स्वागत है आप लोगों का नई वीडियो में। तो भाई आज की कुछ वीडियो होने वाली है क्रेटा N9 की ड्राइविंग परफॉर्मेंस की और ड्राइविंग के मजे की। तो भाई आज देखेंगे कैसे क्या मजे हैं, गाड़ी क्या क्या ऑफर कर रही है, अपने कंफर्ट देखा जाए, कुछ भी देखा जाए, मजे कितने बढ़िया दे रही है। 3 अपने मोड मिल रहे हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। तो ये इको मोड नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, अपना इको मोड अभी है नहीं, ये नॉर्मल में चला रहे हैं अभी इसको, और पैडल शिफ्टर के साथ भी चलाएंगे अभी। अब आ गए अपने खुले रोड पे भाई एडास में। इसमें एक अलग चीज ये है कि कुछ आगे आए तो भाई बोलती है, बताती है कि आपके आगे, देखो बोल रही है, देखो पहली बता रही है इस बाइक हमारे आगे स्कूटी जा रही है तो पहली बोलती है, टू व्हीलर है आगे वो देख लो। तो भाई ये चीज़ बड़ी प्यारी लगी मेरे को। और अभी हम भाई नॉर्मल बोर्ड में देखना गाड़ी, ओ भाई ओ भाई ओ भाई साहब, फील नेक्स्ट लेवल भाई साहब, कितनी जल्दी 100 चढ़ गई और अभी नॉर्मल मोड में चल रही है, मतलब मजे नेक्स्ट लेवल भाई साहब। मतलब एडास के फीचर भाई ने अभी कुछ बंद कर रखे हैं कि ये थोड़ा सा ब्रेक व्रेक ज्यादा ले लेती है, बट ये बता रही है, देखो ये देखो स्पीड की वार्निंग आ गई इसमें अपनी, जो खैर आजकल तो सारी गाड़ियां दे रही हैं भाई साहब, लेकिन जो मजे है ना चलाने के, वाह भाई, मतलब तो पैडल दबा रहा हूँ तो गाड़ी ऐसी वो दे रही है। और एडास अपना दूर से ही कवर कर रहा है सारी चीजें, मतलब ह्यूंडई के यार फीचर वाइज तो खैर है ही अच्छी गाड़ी, फीचर तो खैर देती ही है ये, तो फीचर परफॉर्मेंस वाइज मतलब मस्त नेक्स्ट लेवल। ये देखो अपनी, और स्टेयरिंग का रिस्पॉन्स भाई बिल्कुल स्पोर्टी, बिल्कुल हार्ड हो रहा है, और मतलब ये कि परफॉर्मेंस देखनी है ना आपको तो वाह भाई मजे कर दिए, मतलब साइड से ये देख लो भाई कितनी जल्दी, मतलब अपने अभी तो हम कंफर्ट मोड में चल रहे हैं, स्पोर्ट्स तो लगाए नहीं है, और रोड की नॉइज बिल्कुल बहुत, NBH लेवल इतना अच्छा हो गया गाड़ी का, बेशक 3-स्टार सेफ्टी है बट NBH लेवल इतना बढ़िया हो गया, मतलब वाह भाई। यहाँ थोड़ी रेड लाइट में ब्रेक है, और ब्रेकिंग बिल्कुल स्पोर्टी, ये लो भाई गाड़ी यहाँ देख लो कितनी जल्दी रुक गई आके, ये लो भाई लगा लिया स्पोर्ट्स मोड रेड लाइट से निकल के, और अब हम इसकी 0 to 100 टेस्ट करेंगे इसी वीडियो में, साइड में लगा लेते हैं, अब इसका 0 to 100 टेस्ट करते हैं। ये लो भाई अभी होगी, गाड़ी को जीरो कर देते हैं पहले, थोड़ा सा रोड क्लियर हो जाए, 1 2 3। ये लो भाई गिन लो सेकंड चला के देख लो भाई, 9 सेकंड हुंडई क्लेम करती है, और ये देखो 9 सेकंड में चढ़ती है नहीं चढ़ती वो देखो आप, 0 to 100 भाई पैडल देखो क्या भाई साहब, भाई फील भाई साहब, मतलब अलग ही मजे आ रहे हैं चलाने में गाड़ी के। कौन कहते हैं ये एक मिनी SUV ना भाई, कॉम्पैक्ट SUV कौन कहते हैं, तो सेडान के बराबर भग रही है। ओ भाई साहब जो फील दी है ना गाड़ी ने चलाने की, ऑटोमेटिक भाई साहब, N9 की फील भाई, मजे आ गए स्पोर्ट्स मोड में तो देखना, किसी को ओवरटेक करना हो कहीं निकल जाए गाड़ी, कहीं जहां मन करे ना वहां। ये लो भाई, और अपना स्टेयरिंग भाई साहब, जब ग्रीन लाइट होने वाली है और अभी हमें यू टर्न लेना है, तो एक चीज और दिखाऊं, ये देखो 360 का ऐसे मजे हैं इसमें, दोनों डायल्स में ऐसे आ जाती है, पूरा डिजिटल है अपना, पूरा मीटर डिजिटल है, कोई ऐसा एनालॉग नहीं है, बस ये फिनिशिंग ऐसे दी है कि एनालॉग लगे, बाकी पूरा डिजिटल है, बाकी अभी हमने राइट का वो दिया है। तो यहाँ पे भी एक वार्निंग मिलती है अपने को, इसमें दिखाऊंगा ना साइड मिरर में, साइड मिरर में अपने को वार्निंग मिलती है एक, अभी आ नहीं रही है कोई गाड़ी पीछे है नहीं कोई भी, तो ये देख लो भाई ये अपने को जल गया ना भाई, कैमरा क्वालिटी इतनी प्यारी है यार, इतनी प्यारी है, रात हो रखी है लेकिन कैमरे की क्वालिटी अब भी मतलब ऐसा लग रहा है DSLR से शूट कर रहे हैं भाई साहब, कैमरा मतलब बढ़िया, और लाइट का थ्रो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, बट पता नहीं क्यों, शायद अपनी गाड़ी की चला ली मेरी में थोड़ी ज्यादा है इसलिए, बट भाई फील भाई, हम इको मोड में चल रहे हैं बट इको मोड में भी कोई अपनी कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, मतलब मेन तो इसके माइलेज निकालनी है तो इको मोड में ही चलना पड़ेगा ना, तो N9 बना ही तो है भाई परफॉर्मेंस वाइज, जो अगर किसी को लेनी है ना परफॉर्मेंस के लिए गाड़ी, भाई कुछ नहीं है, ले लो भाई N9 ले लो, लुक वाइज देखा जाए किसी वाइज भी तो भाई जब N9 की मजे अलग ही है भाई। आज के तीनों मोड्स अच्छी तरह टेस्ट कर लिया हमने, इको में भी खैर अच्छी खासी मतलब गियर अच्छी जल्दी चेंज कर रही है, और अपने कंफर्ट में भी अपने नॉर्मल उसमें चेंज कर रही है, बट ये है कि ओवरटेक वगैरह करोगे ना तो इको में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, बाकी कंफर्ट में और स्पोर्ट्स में तो भाई साहब अपनी गाड़ी मतलब ये है कि दिन रात का अंतर है,
कंफर्ट में भी लोगे तो भी दिन रात का अंतर है। तो है भाई गाड़ी में बात है, चलाने वाइज देखा जाए, परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो है थोड़ी सी बात। तो भाई ये थी अपनी कुछ आज की ड्राइव वीडियो, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा क्रेटा एनलाइन के साथ। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो भाई इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। बाकी थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड बाय, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। भाई अब मस्त मस्त वीडियो आने वाली है और आ भी रही है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो बाय।